हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पनीर की स्नैक्स रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, शाम को जब छोटी मोटी भूख लगे या कोई गेस्ट घर में आ जाए तो जल्दी से 5 मिनट में बनकर तैयार होने वाली रेसिपी है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसे बनाने के लिए पनीर लिया है जिसे मैं पीसीज में काट लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, पनीर को मैंने बड़े बड़े पीसेस में ऐसे काट लिया है और अब एक बाउल में मैंने एक कटोरी बेसन लिया है और इसी के साथ इसमें मैंने आधा कटोरी सूजी ऐड की है। इन्हें मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, भुने जीरे का पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला और थोड़ा सा जीरा और कसूरी मेथी और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया है और मैंने इसमें हरा धनिया भी ऐड कर दिया है और मैंने आधी कटोरी दही लिया है जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। उसे भी मैं इसमें डाल के इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसका एक बैटर तैयार कर लूंगी। और फिर इसे 5 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो मैंने यहाँ पे ब्रेड लिए हैं और ब्रेड को मैं ग्राइंड कर लूंगी और देखिए फ्रेंड्स, ब्रेड को ग्राइंड करके मैं हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लूंगी और देखिए जो मैंने बैटर तैयार किया था उसमें सूजी जो है वो फूल गई है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लूंगी और जो मैंने पीसेस कट करके रखे थे पनीर के उन्हें इसमें डाल के अच्छे से मिला लूंगी। और एक एक पीसेस में लेके ब्रेड क्रम जो मैंने बनाया है उसमें इसे रोल कर लूंगी और इसी तरह मैं सारे पीसेस तैयार फ्रिज में 5-10 मिनट के लिए रख दूंगी और फिर देखिए फ्रिज से निकाल के मैं इन्हें फ्राई कर लूंगी। तो मैं 2-3 मिनट तक लो फ्लेम पर इन्हें फ्राई कर रही हूँ। तो ये एक साइड से फ्राई हो गए हैं, अब मैं इन्हें पलट देती हूँ। एक एक करके इन्हें पलट देंगे और ऐसे ही उलट पलट करके इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पनीर की स्नैक्स जो है बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही यम्मी स्नैक्स बनकर तैयार हुए थे और मेरे बच्चों को बहुत पसंद आए थे। फ्रेंड्स, वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।